हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक और नई जगह जाने वाले हैं, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। और ये मेरा पहली बार है, तो आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड। तो हम जा रहे हैं केदारनाथ, जिसके लिए आपको अपनी लोकेशन से देहरादून के लिए फ़्लाइट लेनी है। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बट फ्लाइट विल बी द क्विकेस्ट, क्योंकि हमें आगे और बहुत ट्रैवल करना है। तो हम पहले दिन गए देहरादून से ऋषिकेश, वहाँ पर हमने रात को स्टे किया और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमने अपनी जर्नी शुरू की फॉर सीतापुर, जो कि ऑलमोस्ट 9 to 10 hours की जर्नी थी। हमने एक गवर्नमेंट बस थी वो बुक की थी, उसका फेयर कुछ आया था अराउंड 900 to 1000। ऑन द वे थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था हमें उस रोड पर, जिसकी वजह से आई थिंक फॉर अबाउट 30 minutes के लिए हम डिले हुए थे। बट जैसे ही वो जो जाम है वो क्लियर हुआ, हम आगे बढ़े। जो रास्ता है वो इतना स्मूथ नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बट उत्तराखंड विल नॉट डिसअपॉइंट यू एंड इट विल बी एन एन्जॉयबल राइड बिकॉज ऑफ द लवली वेदर और सुंदर सुंदर वादियाँ, पहाड़, वैलीज, वाटरफॉल एंड वॉट नॉट। तो अराउंड 3-4 बजे हम सीतापुर पहुंचे और ये था हमारा स्टे लोकेशन। अगेन यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू था, पानी की कंटिन्यूस आवाज़ आ रही थी, विच वॉज वेरी रिलैक्सिंग एंड सूदिंग। अगले दिन सुबह हम उठ गए अराउंड 4:35, फटाफट नहाया हमने और हम निकल गए गौरी कुंड के लिए। सीतापुर से गौरी कुंड हमें कोई छोटी कैब मिल गई थी, उससे हम पहुँचे गौरी कुंड। हमने अपने बैग्स वैग सब पैक करके रखे थे रात को और हमने अपना जो चढ़ने का सफ़र है वो शुरू किया ऑन दिस ब्यूटिफुल माउंटेन अमिडस्ट दिस ब्यूटिफुल वेदर। पहला स्टॉप हमने लिया ये गौरी मंदिर पर, जहाँ पे हमने दर्शन किए और फिर चलना शुरू किया। तो इसके बाद का जो रास्ता है वो मेनली फ्लैट सरफेस पे ही है और थोड़ा मार्केट की तरफ जाता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप ख़रीद सकते हैं अगर आपको अभी ख़रीदना है तो, या फिर बेटर है कि आप नीचे आ रहे हो तब रिटर्न के टाइम पर आप ख़रीद लो अगर आपको कोई चीज़ ऊपर नहीं मिली है तो, या आपको घर ले जाना है अपने फैमिली रिलेटिव्स के लिए। ऊपर जाने के लिए आप या तो पैदल चल सकते हैं या फिर घोड़े खच्चर ले सकते हैं, जो आपको 3000 स्टार्टिंग से मिल जाएगा। पिट्टू ले सकते हैं जिसका प्राइस 10,000 से स्टार्ट होगा डिपेंडिंग ऑन योर वेट अगेन, और या फिर आप हेलीकॉप्टर राइड्स भी ले सकते हैं, पर वो आपको 1-2 महीने पहले एडवांस में बुक करना पड़ेगा उत्तराखंड की गवर्नमेंट वेबसाइट से। और जगह जगह पर हेलीपैड्स बने हुए हैं, जैसे कि एक ये है गौरीकुंड वाला, तो वो आप ले सकते हैं। रेनकोट्स वगैरह आपको नीचे ही मिल सकते हैं और जो स्टिक है सपोर्ट के लिए वो भी मिल जाएगी फॉर 40 rupees, और जब आप रिटर्न आते हैं तो वो 20 rupees रिटर्न दे देते हैं, उसका वो डिपॉजिट काइंड ऑफ रहता है। और रेनकोट्स भी 150 to 200 में मिल जाता है, ये प्लेन प्लास्टिक वाला, और ये बहुत इनफ है वहाँ के लिए। वैसे तो इतनी बारिश में कुछ खास यूज़ नहीं आता इन चीज़ों का बिकॉज आप भीगते ही हैं, लेकिन फिर भी आप कम बारिश के लिए ये अच्छा है। और जब हम गए थे तो वेदर काफ़ी अच्छा था, थोड़ी धूप हो रही थी, थोड़ी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा हैवीली बारिश तो नहीं हो रही थी, तो प्रिटी कंफर्टेबल था, ठंड तो थी ही। यस, जाना है और
रास्ते में खाने पीने के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत ही इकोनॉमिक रेट में है, तो आपको बहुत कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इजीली मैगी या आलू पराठे या पानी और बिस्किट्स वगैरह छोटी मोटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अराउंड 50 रुपीज़ के रेंज में, 50 to 60 के रेंज में। और जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे थोड़ा रेट बढ़ जाता है, बट शुरू के जो 9-10 किलोमीटर है उसके लिए तो ये रेट सही है। कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे और भी ब्यूटीफुल होता जा रहा था व्यू, और मौसम तो फेवरेबल था ही, एंड सब कुछ कितना सुंदर हो गया है। ये बारिश के बाद वाला हाल है जो कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें जो लोग होंगे वो शायद हमसे पहले पहुंच जाएंगे, बट हमसे ज़्यादा मज़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो हमने स्लोली चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं इसकी बात ही कुछ और है। तू भी चले मैं भी चलूंगे, कम ये तभी फासले, आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, आओ मिलो चले जाना का ना हो पता, हम जो चलने लगे चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर। ये लास्ट स्टॉप है, यहाँ पर घोड़े रुक जाते हैं और इसके बाद आपको चल के जाना होता है। और ये स्टैंड जैसा है जहाँ से ऊपर या नीचे जाने के लिए आपको घोड़े मिल सकते हैं, खच्चर मतलब। और इसके बाद हमें अपना जो स्टे वाला लोकेशन है वो ढूंढना था, तो हमारा जो लोकेशन था वो बहुत मंदिर के पास था, इसलिए हमें यहाँ से काफ़ी चलना था। मतलब आई थिंक 1 to 2 किलोमीटर्स हम चले हैं यहाँ पहुँचने के बाद और आगे, बट हम इतने थक चुके थे कि बहुत ही जैसे तैसे मतलब पहुँचे हैं। एंड देन जैसे हमें अपना स्टे मिला, हमने चेक इन वगैरह किया और रूम पर गए, फ्रेशन अप हो गए। थोड़ा सा फ्रेशन अप होके हम चले गए सीधा केदारनाथ मंदिर की तरफ, और वहाँ पर हो रही थी आरती, तो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल आरती एक्सपीरियंस करने मिली। रश तो बहुत सारा था, बारिश भी हो रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। आरती करके और हम मंदिर के अंदर गए, दर्शन करने मिला हमें, और बहुत ज़्यादा क्यू भी नहीं था, तो वो सब करके हम आ गए फिर से अपने रूम पर और हमने किया पेट भर के अच्छे से डिनर। अगले दिन जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि मौसम पूरा साफ हो चुका है, एक सनी डे था, और आप लोग देख रहे हैं ये ब्यूटीफुल हिमालयस, बहुत ही सुंदर वेदर था, और हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए केदारनाथ का जो वो जगह थी उसको। हम उठ के फ्रेशन अप होकर फटाफट गए गरम गरम नाश्ता करने के लिए, और उसके बाद हम सीधे चले गए थे दर्शन के लिए फिर से। लेकिन
लेकिन इस बार ये हुआ कि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। सब लोग जो कल रात को पहुँचे होंगे या आज सुबह पहुँचे होंगे हेलीकॉप्टर से, वो लोग सब लाइन में जुड़ गए थे और बहुत रश हो गया था। वेदर अच्छा था तो और भी ज़्यादा, और हम लेट भी गए, जैसे आप देख रहे हैं 8 या 9 बजे का टाइम है, तो इस समय तो और मतलब हर तरीके से भीड़ बढ़ी गई थी। लेकिन फिर भी क्योंकि वेदर अच्छा था, सब कुछ अच्छे से हो गया और हम अच्छे से आरती वगैरह ले पाए और फोटोज़ वगैरह क्लिक कर पाए और जो जो हिमालयाज हैं उनको बहुत अच्छे से देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाए। मंदिर के पीछे ही अमृत कुंड है जहाँ से आप जल भर के लेके जा सकते हैं। इसका जो बॉटल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा 10-20 रुपीज में, या फिर आप खुद का कैरी कर रहे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। मंदिर से नियरेस्ट वाला हेलीपैड जहाँ पर हेलीकॉप्टर आपको ड्रॉप करता है जब आप केदारनाथ के लिए डायरेक्ट हेलीकॉप्टर लेते हैं तो, और वहाँ से तो मंदिर मतलब विद इन 1 किलोमीटर से ही है। दर्शन के बाद थोड़ी शॉपिंग करके और आसपास की और दूसरी चीज़ें देखकर एक्सप्लोर करके हमने अपना रिटर्न का सफ़र शुरू कर लिया। उसके लिए सबसे पहले हमने कर लिया लंच, क्योंकि 12:01 तो बज चुके थे ऑलमोस्ट और हमें चाहिए थी बहुत सारी एनर्जी। तो यस, हम यहाँ पर आ गए जहाँ पे बढ़िया पराठे, मैगी और दाल चावल वगैरह मिल रहा था, तो हमने फटाफट गर्म गर्म खा लिया, अपनी एनर्जी को रीगेन कर लिया और हम चल दिए फिर से बैक टू बेस। गोदी में पहाड़ियों की उजली दोपहर गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे। शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना, हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे। मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों साथ हैं, संग चल रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बता दीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग सो फार, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।